नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप एक यूट्यूबर हो, आप भी वीडियोस बनाकर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हो और आप एक नए सब्सक्राइबर हो, आपने अभी नया ही अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक जानकारी बताने वाले हैं, जो जानकारी सुनने के बाद में, जो वीडियो देखने के बाद में आप अपने यूट्यूब चैनल से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर से बिल्कुल से छुटकारा पा सकते हो। यानी कि आप अपने YouTube चैनल का क्राइटेरिया बहुत ही कम समय में बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी जानकारी बताना चाहूंगा। अगर आपको अपने YouTube चैनल को प्रमोट कराना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको Instagram का लिंक दिया जा रहा है। Instagram के माध्यम से आप अपनी चैनल की इन्फॉर्मेशन हमारे तक भेज सकते हो, ताकि हम हमारे अगले वीडियो के अंदर आपके चैनल को प्रमोट कर सके, जिससे आपके वीडियोज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति होती रहे और आपका चैनल भी दिन प्रतिदिन ग्रो होता चला जाए। तो हम बात कर रहे थे कि हम हमारे यूट्यूब चैनल के 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर से किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, अगर आप यूट्यूबर हो, अगर आपने नया यूट्यूब चैनल बनाया या फिर आपने अभी यूट्यूब चैनल बनाने की सोच रहे हो, तो आप सभी को पता होगा कि यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे को ये मान लीजिए वीडियोज अपलोड करना होता है और वीडियोज अपलोड जो हम करते हैं उससे हमें कुछ पैसे की प्राप्ति होती रहती है। और वो पैसे की प्राप्ति हमें जब होती है, जब हम हमारे YouTube चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर, यानी कि हमारे वीडियोस को कुल 4000 घंटे तक वॉच किया जाता है, उसके बाद में हमारे YouTube चैनल को मोनेटाइज किया जाता है और हमारे वीडियोस के ऊपर एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिलता है और उस एडवर्टाइजमेंट से हमें जो इनकम प्राप्त होती है वही हमारी YouTube की कमाई होती है। तो आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर से किस प्रकार से छुटकारा पाना है और किस प्रकार से आप उससे छुटकारा पाकर आप भी YouTube से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहला जो बदलाव आपको अपने चैनल के अंदर करना है, अपने वीडियोज के अंदर करना है, वो है आपको कंटिन्यूटी अपनानी है। ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ बहुत ही ये मान लीजिए सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। यानी कि अगर आप उन चीज़ों के ऊपर अमल करोगे, अगर आप अपने वीडियोस के अंदर लागू करोगे, अगर आप सारी की सारी चीज़ों को अपने चैनल के ऊपर ये मान लीजिए बिल्कुल एक्टिवेट करते हो, तो बिल्कुल आप भी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर से छुटकारा पा सकते हो। तो कंटिन्यूटी आपको बनानी होगी, रेगुलर वीडियोस आपको अपलोड करना होगा। अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो कोशिश यही कीजिए कि रेगुलर आप अपने चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करिए, जब तक आपके चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर कंप्लीट ना हो जाए। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि आप मात्र 3 महीने तक मेहनत करिए, मन लगाकर, सारा का सारा ध्यान लगाकर आप मात्र 90 डेज तक मेहनत करिए और आप 90 डेज के अंदर आप अपने चैनल को बिल्कुल अनेबल करा सकते हो मोनेटाइजेशन, और आप भी अपने वीडियोज के ऊपर एडवर्टाइजमेंट पा सकते हो। तो कंटिन्यूटी मस्ट है, तो रेगुलर वीडियोज आपको अपलोड करना है जब तक आपका चैनल का क्राइटेरिया कंप्लीट ना हो जाए। और दूसरे बदलाव की अगर हम बात करें तो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने निकल के आती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, सक्सेसफुल यूट्यूबर अगर आप बनना चाहते हो, लंबे समय तक आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर बने रहना चाहते हो, तो आपको इन्फॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा। यानी कि जो भी वीडियोज आप बनाने वाले हो या फिर जो वीडियोज बनाने की सोच रहे हो, तो उससे पहले आपको उस वीडियो से संबंधित सारी के सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद ही आपको अपना वीडियो शूट करना है, ताकि आप अपने प्रत्येक वीडियोज के अंदर बेटर से बेटर परफॉर्मेंस दे सको, जिससे आपके वीडियोस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ की प्राप्ति होती चली जाए और जिन व्यूवर्स को आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती चली जाएगी वो वीडियोस को लाइक भी करेंगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाएंगे। और तीसरे बदलाव की अगर हम बात करें, तीसरे ये मान लीजिए हम उसके अंदर कुछ चेंजेस की बात करते हैं, तो सबसे मेन है, ध्यान दीजिएगा, ये नए क्रिएटर के लिए भी लागू होता है और जो पुराने यूट्यूबर हैं, जो बड़े यूट्यूबर हैं जिनका यूट्यूब चैनल काफ़ी बड़ा हो चुका है, उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ही मान लीजिए इंपॉर्टेंट रखती है और उनके लिए भी ये पॉइंट्स हमारा लागू होता है। तो सबसे थर्ड जो पॉइंट है, सबसे मेन जो पॉइंट्स है, वो हमारा क्वालिटी। यानी कि आपको क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा, आपको अपनी वीडियोज़ क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा और ऑडियो क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा। यानी कि अगर आपकी वीडियोज़ क्वालिटी बेस्ट है लेकिन आपकी ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल डिस्टर्बेंस है, तो
तो आपका वीडियो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, यानी कि बिल्कुल भी आपका वीडियोस बिल्कुल रैंक नहीं कर पाएगा और आपके वीडियोस के ऊपर बहुत ही कम मात्रा में व्यूज की प्राप्ति होगी। और इसी प्रकार से आपकी ऑडियो क्वालिटी वेल एंड गुड है लेकिन आपके वीडियोस के अंदर डिस्टर्बेंस है, जो भी आप दिखाना चाह रहे हो वो बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा, तो भी आपका वीडियो नहीं चलने वाला और आपके वीडियोस के ऊपर बहुत ही कम व्यूज की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ वीडियोस के अंदर सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए जो कि सभी वर्ग के लोगों को इजीली समझ में आ जाए और समझने के बाद में तो आपके वीडियोस को लाइक कर सके और आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सके। तो इस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए कि जो भी ऑडियंस आपके वीडियोस को वॉच कर रही है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, आपके वीडियोस के बारे में, आपकी इन्फॉर्मेशन के बारे में वो सारी की सारी चीज़ें समझ सके और समझने के बाद में वीडियोस को वो लाइक कर सके। तो सिंपल लैंग्वेज का आपको इस्तेमाल करना है। अगले पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे वीडियोस के ऊपर आता है हमारा एंड स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपको अपने प्रत्येक वीडियोस के अंदर एंड स्क्रीन का जरूर इस्तेमाल करना है क्योंकि आप अपने वीडियोस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो काफ़ी सारी ऑडियंस ऐसी है जो कि आपके वीडियोस को अंत तक वॉच करती है, यानी कि आपकी बिल्कुल आपकी बातों के अंदर बिल्कुल वो खो जाती हैं और आपके वीडियोस को बिल्कुल अंत तक देखना चाहती हैं। तो ऐसे ऑडियंस के लिए, ऐसे व्यूअर्स के लिए आप अपने प्रत्येक वीडियोस के अंदर एंड स्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करिए, जिससे क्या होगा वो ऑडियंस, वो व्यूअर्स जो आपके वीडियोस को कंप्लीट वॉच कर रहे हैं तो वो एंड स्क्रीन के माध्यम से आपके दूसरे वीडियोस के ऊपर भी डायरेक्टली चले जाएंगे और आपके उस वीडियोस के ऊपर भी आपको व्यूज की प्राप्ति होती चली जाएगी, वॉच टाइम आवर भी आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। तो प्रत्येक वीडियोस के अंदर कोशिश यही कीजिए कि एंड स्क्रीन आप लगाते रहिए जिससे आपके वीडियोस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति होती रहेगी और आपका वॉच टाइम आवर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। और अगले और फाइनल टच की अगर हम बात करें तो हमारे सबसे अहम भूमिका हमारा निभाता हमारा बेस्ट थंबनेल और कंटेंट। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सबसे मेन चीज हमारे वीडियोस के ऊपर, हमारे चैनल को सक्सेसफुल बनाने के लिए कंटेंट और हमारा ये मान लीजिए बेस्ट थंबनेल हमारा निभाता है। तो कंटेंट के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है, कोशिश यही कीजिए कि इस प्रकार के कंटेंट के ऊपर आप वीडियोस बनाइए जो कि हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक हो। ट्रेंडिंग टॉपिक को अगर आप सेलेक्ट करोगे तो डेफिनेट कम समय में आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धि हासिल करता चला जाएगा। साथ ही साथ आपको अपने प्रत्येक वीडियोस का थंबनेल थोड़ा सा बेस्ट बनाना है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, थोड़ा सा मान लीजिए प्रोफेशनल बनाना है, जिससे देखने वालों को आपके वीडियोस के अंदर काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता पैदा होती चली जाए और वो वीडियोस को वॉच करने पे मजबूर हो जाए और जिन ऑडियंस को आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती चली जाएगी वो वीडियोस को लाइक भी करेंगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ पांच छोटे छोटे बदलाव कर आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर से बिल्कुल से छुटकारा पा सकते हो और आप अपने चैनल को मोनिटाइज करा कर यूट्यूब से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, छोटा आप लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।